नमस्ते, मेरा नाम स्वाति है और लल्लन टॉप की इलेक्शन टीम अभी फ़िलहाल गांव सुल्तानपुर में है। ये मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आता है। हम निकले थे और हमें नीलम सिंह मिली। नीलम सिंह यहां कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। उनका मुकाबला जेडीयू के नेता और नीतीश के मंत्रिमंडल का हिस्सा लल्लन सिंह से है और हमें यहाँ मिली हैं। हम इनसे बात करेंगे पॉलिटिक्स के बारे में, इलेक्शन के बारे में, क्या सोचती हैं। नमस्ते नीलम जी, ये पहली बार आपका चुनाव में एंट्री है आपकी? जी जी, एंट्री है मेरा पहली बार, लेकिन 2015 में मेरे हस्बैंड माननीय विधायक जी के लिए हम वोट मांगे थे। सब जगह घूम घूम कर प्रचार प्रसार किए और वोट भी मांगे नेता जी का। नहीं नहीं, ठीक है, जैसे हम लोग का थोड़ा एक कल्चर है कि अपना हस्बैंड का नाम तो जब वो नहीं लेना चाहिए। जब बताइए बहन जी, ये मतलब ये क्यों तर्क दिया जाता है कि हस्बैंड का नाम नहीं लेना है? और भी कुछ उसमें बताया जाता होगा ना, जैसे कि पति को हम लोग भगवान मानते हैं, इसलिए उनका नाम बार बार नहीं ले सकते हैं, हमेशा नहीं ले सकते हैं। तो अभी आप नेताजी कह के पुकारती हैं, जब वो पॉलिटिक्स में नहीं आए थे तब क्या कह के पुकारती थी? तब तो वही देहात के भाषा में, जैसे हम लोग ए जी सुनिए। अच्छा ये बताइए बहन जी, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है? मैं 9th। अच्छा, हम लोग बिहार में कई इलाकों में घूम रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि लड़कियों को पढ़ाने पर ज़्यादा जोर नहीं होता है, इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह मोदी सरकार में शिक्षा को लेकर बहुत मैंने शिक्षा है ही नहीं, प्लस टू स्कूल में शिक्षक भी नहीं मिलते हैं। और राहुल गांधी जी की जो प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार 2019 में, तो हम लोग का ज़्यादा ध्यान शिक्षा पर रहेगा, मेडिकल कॉलेज पर रहेगा, बेरोजगारी दूर करने पर रहेगा। जैसे अनाज का दाम घट गया और दूध का दाम घट गया, किसानों कर्ज के तले दबे हुए हैं, उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। और आपको पता ही होगा कि राहुल जी जो वादा किए थे अगले जो वहाँ का चुनाव में वहाँ उनका आया, तो किसानों का कर्ज माफ़ कर दिए। अच्छा, लेकिन ये बताइए बहन जी, जो मूल सवाल था वो ये था कि लड़कियों को बिहार में लोग क्यों नहीं पढ़ाते हैं? आपने जैसे मोदी सरकार का जिक्र किया, वो तो 5 साल से ही आई है, पर शिक्षा का पूरा ढांचा तो 20 साल 30 साल 40 साल से गड़बड़ चल रहा होगा ना? नहीं नहीं, इधर 5 साल से ही ज़्यादा गड़बड़ चल रहा था। लेकिन विरोधी जो हैं आपके, वो कहते हैं कि स्कूली शिक्षा प्रधानमंत्री का उतना डिपार्टमेंट नहीं ना, वो तो राज्य सरकार के अंडर में आता है। और वो कह रहे हैं यहाँ मोकामा में दोनों का, राज्य सरकार जो है और ऊपर का केंद्र सरकार, दोनों का तो सेटिंग है। अच्छा, अभी सेटिंग है तो फिर भी शिक्षा एकदम, शिक्षा तो कहीं है ही नहीं, स्कूल में पढ़ाई होती ही नहीं है। और बच्ची को सिर्फ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये नारा देने से नहीं होगा, इस पर उनको ध्यान देना पड़ेगा, पढ़ाई पर लिखाई पर, कि हमारी बच्चियाँ कैसे पढ़ रही है, स्कूल में टीचर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो वो तो उनका जुमलेबाजी सिर्फ करते। ये बताइए जो विधायक जी हैं आपके पति, हम तो नाम ले सकते हैं ना, अनंत सिंह, उनके बारे में विरोधी लोग कहते हैं कि दबंग हैं, बाहुबली हैं, माफिया हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। जी एकदम बिल्कुल गलत। ये जो आप सवाल किए दबंग और बाहुबली, तो दबंग बाहुबली आपको विरोधी लोग ही बोले होंगे, जैसे एनडीए का प्रत्याशी अभी लल्लन सिंह है, उनसे तो दबंग कोई है ही नहीं। अच्छा, अच्छे अच्छे बोले तो कि हम नॉमिनेशन करा के आए, और एक मेरे जो थे हाँ प्रस्तावक, उनको जबरन घर से, और पूजा पाठ पंडित जी थे, एकदम संभ्रांत परिवार से हैं, सीधे साधे, और उनके घर जा कर रात में लिपि सिंह छापा मारी। और लिपि सिंह कौन है? एसएसपी। हाँ। अभी उसका बदली हो गया, तबादला हो गया। करवा दिया आप लोगों ने? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चुनाव आयोग से मांग की है कि हमारे समर्थक लोग को परेशानी
परेशान करती है, घर में छापा मारती है और फर्जी गन रखकर अरेस्ट कर लेती है। तो हम चुनाव आयोग से मांग किए। आप कह रही हैं कि एसपी फर्जी गन रख देती है? हाँ, एकदम रखती है वो फर्जी गन। अच्छा। एकदम रखती है। हमारे समर्थक यहाँ के जनता से आप पूछ लीजिए तो जो हमारे जो माननीय विधायक जी को दबंग बोल रहे हैं, तो इनसे ललन सिंह और नीतीश सिंह से, नीतीश कुमार से, जो कुर्सी कुमार है, सुशासन बाबू जिनको कहते हैं, उनसे तो दबंग कोई है ही नहीं। अच्छा, ये बताइए कि पहली बार जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे और बहुमत में कुछ विधायकों का कमी हो रहा था, तब सबसे पहले तो अनंत सिंह ही समर्थन किए थे उनका? जी, हमेशा करते रहे थे। कहाँ हुआ? सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। हमेशा नीतीश जी के लिए कोई पार्टी सम्मेलन हुआ, रैली हुआ, हमेशा विधायक जी उनके लिए खड़ी रहते थे। लेकिन विधायक जी का जनाधार देखकर और जनता का प्यार, हमेशा विधायक जी जनता से मिलते जुलते रहते थे और जनता का जो समस्या हमेशा हल करते रहते थे, दुख में सुख में खड़ी रहते थे। इनका बढ़ते हुए लोकप्रियता और जनाधार देकर नीतीश जी को लगा कि अब तो ये मेरे से भी आगे हो जाएगा, तो उन पर फर्जी केस कराकर उनको अंदर करवा दिए। अच्छा, वो आप उन इल्ज़ामों की बात कर रही हैं जो उनके ऊपर लगते हैं केसेस, वो 13 क्रिमिनल केसेस है ना? फर्जी है। अच्छा, वो सारे फर्जी है? सारे फर्जी है। अच्छा। सब नीतीश सिंह और ललन सिंह का किया कराया हुआ है। अच्छा, आपको नीतीश कुमार से भी शिकायत, आप कह रही थी ऐसे, तो जब अनंत सिंह उनका नीतीश कुमार शिकायत, नीतीश कुमार जनता की मैंडेट की चोरी में जनता उनसे आक्रोशित है। यही देखिए मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में उनकी संलिप्तता, नीतीश जी की संलिप्तता से महिलाएं उनसे घृणा करती है। उनसे बड़ा तो अपराध कोई है ही नहीं। मेरा ये सवाल है कि जब वो उनका हिस्सा हुआ करते थे, जब वो नीतीश कुमार के साथ थे, तब आपको क्या लगा कि तब क्या अच्छा काम हो रहा था कि आप उस समय की तारीफ करती हैं उनके उनका? देखिए, नीतीश जी की जब सरकार आई, 5 साल उनका काम बढ़िया हुआ, लेकिन उसके बाद ये जो नीरज सिंह है MLC, जो सिर्फ भाषणबाजी देता है और कहीं विकास के नाम पर उसका एक कहीं भी माइलेज अथी पर देखिए कहीं भी उसका नेम प्लेट नहीं लगा है, विकास के नाम पर कहीं भी नेम प्लेट नहीं लगा है, सिर्फ वो टीवी पे भाषणबाजी करता है। और ये ललन सिंह, RCP सिंह, हाँ प्रवक्ता है, विधायक जी ही इनको MLC बनवाए हैं, इसका राजनीति में लाने के राजनीतिक गुरु माननीय मोकामा विधायक जी ही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये पॉलिटिक्स की बात चली है तो इसकी शुरुआत पे जाते हैं, आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे, अगर आप अनंत सिंह की पत्नी नहीं होती तब क्या आपने सोचा था कि आपका पॉलिटिक्स में कोई फ्यूचर होगा? अब देखिए, अब क्या सोचे थे नहीं सोचे, लेकिन जैसा समय आया उस हिसाब से हमने फैसला। कैसा समय आया? अनंत सिंह तो कह रहे थे कि वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, काफी हाल तक उनका ये कहना था कि उनको चुनाव लड़ना है, फिर क्या बाधा? ठीक, लड़ना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ की जनता, मोकामा की जनता वहाँ पर गए, बोले कि देखिए आप चल जाइएगा तो हम लोग का दुख सुख कौन सुनेगा और हम लोग किससे बात करेंगे, कौन हमको सम्मान देगा, अगर आप चल जाइएगा, यहाँ से जाने ही नहीं देना चाह रहे थे मोकामा की जनता, इतना उनको मानते हैं। तो माननीय विधायक जी को यहीं के जनता, मोकामा के जनता ही राय दिए कि क्यों नहीं आप अपना धर्मपत्नी को ही टिकट दिलवाकर और दिल्ली भेजिए, वो दिल्ली में रहेगी और हम पटना। भैया यहाँ, भाभी वहाँ, भाभी वहाँ। जी जी, फिर मन कैसे लगेगा दोनों लोगों का? एकदम लगेगा। हाँ, एकदम लगे, आते जाते रहेंगे ना, ऐसा थोड़े है कि हम दिल्ली में रहेंगे। अच्छा, हम अपने जनता से नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, घर परिवार, बाल बच्चे। बहन जी, ये बताइए, सांसद का काम क्या होता है, मुख्य काम वहाँ लोकसभा? सांसद का काम होता है जो यहाँ की मुंगेर की जनता की समस्या है उसको मैं संसद में उनकी आवाज को बुलंद करूंगी और मांग करूंगी कि यहाँ पर बेरोजगारी जैसे पहाड़ बंद है, क्यूल नदी का बालू का उठाव बंद है। एक आखिरी सवाल पूछूं,
अच्छा, राजनीति में आने का फैसला आपने किया या अनंत सिंह का प्रभाव था, वो उन्होंने आपको राजी किया? जनता का फैसला था। लोग बोले कि आप, हम तो पहले ही बता चुके, ये हम दोनों का निजी लिया हुआ फैसला है जनता के ही आदेश पे कि वो चल जाएंगी दिल्ली मैडम और आप यहाँ रहिए, दोनों मिलकर जनता के सेवा करेंगे, जनता के विकास करेंगे और मुंगेर की जनता जिस विश्वास के साथ हमको मत देगी उस विश्वास पे मैं खड़ी उतरूंगी। अच्छा, बस एक अच्छा भाषण देने लगी है, इंटरव्यू इसका तैयारी कैसे करती है? देखिए एकदम मीडिया से ऐसे बात कर रही है बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ, कौन करवाता है आपकी ये तैयारी? तैयारी तो अब आप जैसे कि माननीय विधायक जी 15 साल से हैं राजनीतिक में, तो करते हैं कि कैसे राजनीतिक में है, मेरी बात सुना जाए एक मिनट, राजनीतिक में है तो उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर चली, जो भी जनता लोग आए, जो भी कहीं के मोकामा से दूर के भी, तो उनका सम्मान किए, उनके साथ दुख सुख बतिया, तो विधायक जी से ही मुझे अनुभव हुआ कि जनता को किस तरह से सम्मान और प्यार किया जाता है और उनका विकास किया जाता है। हाँ, राजनीतिक गुरु तो वही है। जब हमने नीलम जी के साथ बातचीत की शुरुआत की थी तो समर्थकों का जो उनका उनके साथ थे वो यहाँ आ रहे थे, अब वो जा रहे हैं क्योंकि नेता जी चली गई हैं आगे के इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए। काफ़ी तैयार थी, जैसा सौरभ सर ने उनसे पूछा भी तो कह रही थी कि काफ़ी तैयारी कराई जा रही है उनकी। देखते हैं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है यहाँ के इलाकों में, हमें महिलाएँ राजनीति से जुड़े मुद्दों पर इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रही हैं, तो इस इलाके में एक महिला का चुनाव लड़ना और आगे जो भी होता है नतीजा, देखते हैं इससे क्या बदलता है। हम उम्मीद करेंगे कि महिलाओं के लिए कुछ अच्छा निकल कर आए। शुक्रिया।